हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ। मैं आ रही हूँ बहुत जल्दी आपके बीच में। वैसे कभी आती तो बहुत लेट आती हूँ और कभी आती तो बहुत जल्दी आ जाती हूँ। वैसे आज आने का खास रीज़न बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है और स्पेशली मैंने पहने नए कपड़े मतलब नई कुर्ती ली थी मैंने, ये मंगवाई थी अपने ने, तो मेरा मूड ना जो नए कपड़े पहनते हैं ना, और अच्छा अच्छा से लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा से लगता है। तो मैंने कहा कि यार चलो आज मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ रैंडम, तो ऐसा कुछ खास और रीज़न तो नहीं है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ रैंडम ब्लॉग। और जो जो होगा आज बने रहिएगा ब्लॉग में। अब वैसे भी मुझे काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप डेली ब्लॉगिंग बनाओ, डेली ब्लॉगिंग करो। तो डेली ब्लॉगिंग तो शायद अभी पॉसिबल नहीं है, बट रैंडम ब्लॉग से ही। और पूजा मेरे पीछे है साथ में। पूजा नहीं, पूजा पूजा के बिना हमारा कोई दूजा नहीं, एकमात्र सहारा। सॉरी गाइस, मैंने आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी। मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और पूजा मेरे लिए स्पेशली कुछ बना के लेके आई मेरे कहने पे। मैं आपको दिखाती हूँ, खत्म होने वाला है, मुझे उधर से आ रहा है, मुझे दिखाना है यार। सो गाइस, पूजा मेरे लिए ये बना के लेके थी, चिया सीड्स विद ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, बड़ा टेस्टी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूजा को मैंने बोला था स्पेशली मेरे लिए बना के लेके आई, खत्म होने वाला है। अजीब लग रहा होगा ना दिखने में थोड़ा, बट खाने में बहुत टेस्टी है। थैंक यू पूजा। आज बहुत नींद आ रही है, सुस्ती वाला था, नींद आ रही है मुझे। सो गाइस, हमारा लंच टाइम हो चुका था, हमने खाना भी खा लिया पेट भर की और गालियाँ भी खा ली साथ में एज यूजल। और पूजा मेरे साथ है, सुख दुख की साथी, और हम जा रहे हैं, हम साथ साथ है तो हम जा रहे हैं अब ऊपर वापस। और आज पूजा ने मुझे बोला कि तू जो बोलेगी वो खिलाऊंगी तुझे, जो बोलेगी। ये कब था? खटेगा ये व्लॉग में, मेरी बात सुनो, खटेगा ये, तुम्हें डायरेक्ट घर में सोते हुए दिखेगी प्रिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये खिला देती है मेरे को, आज भी खिलाएगी भरपूर। नहीं आई थी कि खिला देती हूँ, बोलो मैं खिलाऊंगी, कल खिलाया ना तेरे को मैंने। चलिए हमारा चलता रहेगा, अभी चलते हैं ऊपर ईटा बजरी चकने के लिए। अभी दिए बेचने पागल दिए बेचने देखते हैं फिर अभी कैसे वैसे है। और शाम तक भी जो भी है बने रहिएगा। मैं अरे मैंने अपना वो नहीं दिखाया कुर्ता, मैं दिखा देती हूँ। ये पहना है मैंने आज, अच्छा लग रहा है ना, मुझे अच्छा लगा, सिंपल कंफर्टेबल। इवनिंग टीवी आ चुकी है और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 10-15 मिनट का। पूजा सब एक्टिंग कर रही है चलो चाय भी लें। सो गाइस, ऑफिस से हो चुका है ऑफ और पूजा और मैं जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने। ओह माय गॉड। एक्चुअली कल हमारे ऑफिस का जा रहा है ट्रिप सैटरडे को, तो फिर सोच रहे थे अगर कुछ मन किया खरीदने का। वैसे तो इतने कपड़ों की भंडार पड़ी, पर पता नहीं क्यों जब कहीं जाते हैं ऐसा लगता है और चाहिए कपड़े, और चाहिए और चाहिए। तो मुझे लग रहा है हमें खर्चा बुला रहा है सज्जन, इसलिए हम जा रहे हैं 15 की मार्केट जा रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ पसंद आया तो ले लेंगे, नहीं तो खा पी क्या लेंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी मर्सिडीज से मार्केट, और काफ़ी झलर मर्रा लगा हुआ है मेरे ऑटो में ना। मौसम भी आज का अच्छा हो रहा है, गर्मी तो नहीं हो रही है ज़्यादा। और तुझे क्या ब्लॉग के अंदर ब्लॉग बना रही है, ऐसी मिनी ब्लॉग, जाके देखते हैं क्या क्या खरीदेंगे आज। और वहाँ पर बड़ी फेमस मार्केट आपको दिखाऊंगी मैं, नेपाली ना, मौसम नेपाली से है ना, अच्छी बात तो है, मुझे मुंह देने के सफर नेपाली है, लेकिन इतना अच्छा वहाँ पे वो मिलता है ना, फेमस है वो मार्केट मोमोज वगैरह के लिए, तो आपको दिखाऊंगी मैं। तो हम पहुँच चुके हैं 15 सेक्टर की मार्केट में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब कपड़े मिलते हैं, सही मिलते हैं वैसे तो।
तो दोस्तों हम ना 3-4 दुकानें देख चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें कि हमें लेना क्या है। पूजा मेरे लिए हेल्प कर रही है ढूंढने में। यहाँ हूँ मैं पूजा। नहीं समझ आया ना? अच्छी लग रही है। मैं वैसे ऐसी ड्रेस ऐसे टाइप्स में पहन के आओ ना, कभी पहन के आओ। पूरा गढ़ वाली फील लगा रखा है। दोस्तों माड़ा यूज करता है ना। तो दोस्तों मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि क्या लेना है। तो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने कहा बाहर में जाए सब कुछ, मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है। मुझे लगता है पूजा की संगत का असर पड़ गया है मेरे दिमाग के अंदर। इतनी क्रेविंग हो रही है खाने की। तो फिर हमने कहा यार, मतलब ऐसा सोचा कि छोड़ पूजा, ये तो मेरे लिए ढूंढ रही थी बार बार कि चल ढूंढ लेते हैं कुछ ले लेते थे। अगर छोड़, मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है ना मोमोज को देख के। फिर हमने मंगवाया है काफ़ी कुछ, मोमोज, नूडल्स एंड हनी चिली कॉलीफ्लावर, हनी चिली कॉलीफ्लावर। पूजा की संगत का असर पड़ गया, रगों में क्रेविंग घुस चुकी है। तो हमने ऑर्डर दे दिया, अपना ऑर्डर आएगा थोड़ी देर में और फिर दिखाते हैं, फिर खाते हैं फटाफट। मोमोज एंड हमारे नूडल्स तो आ चुके हैं, अभी एक और ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। तो ये मज़ा आ गया खा के, मुझे पैक भी करा लिया जो बच गया था, वेस्ट भी करना फालतू में ऐसा लगा। चलो बहुत कुछ खाया बस। चलो यार कहाँ शर्ट नहीं मिली हमें, हाँ जो हम लेने आए थे वो नहीं मिला हमें, बाकी हमें सब कुछ। अब मैं शांति से घूम सकती हूँ, मेरी क्रेविंग की जो राक्षस था ना, मैं दौड़ रहा था ना मार्केट में खुश सुन के। मैंने कहा था बस जहाँ पे नूडल बन रहे हैं वहीं बाकी जाए, मुझे मिल नहीं रहा, मैंने शर्ट लेने की फिर से कोशिश करते हैं। और अल्टीमेट पीस है ना, डाल है ना, अल्टीमेट है ना। एक बात कहनी है मुझे, थोड़ा खसाई पिया फिर बोलती हूँ। यार भाई तुम लोगों को पसंद नहीं आना है ना, मैं एक ब्लॉग में चलते हैं। तो मैंने फाइनली शर्ट ले लिया, मुझे ऐसा लगा कि ना मेरे से ज़्यादा ना अंकल ने इतना प्रेशराइज कर दिया, मुझे मन ही नहीं कर पाया ना। ऊपर से मैंने रेट कम कराया, बहुत जल्दी मान गया कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। नहीं अच्छी लगेगी, टेंशन ना ले। पूरी रात इस बात की मैं रेगुलर फील करती रहूँ, रास्ते में कर रही हो ना। अच्छा लग रहा है। तो पूजा देख रही है अपने लिए इयर रिंग्स, और मैंने तो अपने लिए ले लिया जो लेना था। हाँ सही।
मुझे ने पॉपकॉर्न लेना था, ये 10 की मिल आगे बैठी थी, और यहाँ पे 10 रुपए का कुछ नहीं है, 20 वाला है ना, 20 से शुरू है। कोई बात नहीं, सब हम खाएंगे पॉपकॉर्न। खुशबू इसकी बेकाबू कर रही थी हमें, यही मंडी में 10 रुपए मिलता है। अच्छा हो रहा है, अच्छा तो होने ही है, 20 रुपए दे दो। वाओ इयररिंग्स। हमारा अलग ही चौरस हुआ है, लोग हमें देख रहे हैं। लगना ही था ना पूजा के पास उसे, वो भी 10 रुपए ज्यादा। रात हो गई, मुझे लगा सुबह हो रही है ये। ये भैया तो पूरा शादी वाला फील दिला रहा है मुझे। ओ भाई ये तो दिलाई देगा भैया, तो हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे घर की ओर। पूजा कल मिलते हैं ट्रिप पे, बाय बाय, मॉर्निंग मिलेंगे, बाय बाय। तो मैंने भी अपना सामान ले लिया, मन मार के लिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब मुझे चाहिए था वैसा मिला नहीं, पर बस ले लिया। दिमाग खराब हो रहा था कि क्या लूँ क्या लूँ, तो बस पूजा ने भी जो लेना था छोटा मोटा इयररिंग्स वगैरह उसने ले लिए, और अब चलती हूँ घर की ओर और मिलती हूँ घर पहुँच के आपको। तो दोस्तों सारी शॉपिंग वगैरह करने के बाद आज का जो जो व्लॉग था मैंने आपको दिखाया सब कुछ, मतलब आज जो मेरे साथ हुआ। और कल हमने जाना है सैटरडे को घूमने के लिए, मतलब हमारी टीम ने जाना है, तो वो भी सब आपको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी, सोचा तो है मैं ब्लॉग बनाऊंगी वहाँ पे जाकर। बाकी ये सब था। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर और भी हो सकता है आपसे तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। एंड बाकी हाँ, मैंने वैसे सोचा तो है कि अब मैं आपके साथ ना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखूँगी, जल्दी जल्दी वीडियोज़ बना के अपलोड कर दिया करूँगी टाइमली। तो बाकी फिर नेगेटिव पॉजिटिव बोथ मैं जो जो भी होगा आपके, अब मतलब मेरे साथ जो भी डे बाय डे में, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ मतलब चल तो काफ़ी कुछ रहा है, काफ़ी कुछ है बातें बताने को, बट फिलहाल जो भी करंट मतलब है न्यूज़ वो ये है कि भाई का 15 दिन से कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, कोई बात नहीं हुई है, ना उसका नंबर लग रहा है ना उसका कॉल आया है। तो थोड़ा सा वो कंसर्न हो रखा है दिमाग में कि कहाँ पे होगा कैसे होगा। तो बाकी चलो, वैसे मैंने किसी के थ्रू पता कर लिया था, तो एज सच कुछ मतलब ठीक है वहाँ पे सब कुछ, तो बस बाकी यही है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड love you।